हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर ऑफ योर बुक फ्लेमिंगो। द स्टोरी और चैप्टर इज एंटाइटल्ड एज लॉस्ट स्प्रिंग। और इस चैप्टर में हमें दो स्टोरीज दी हैं एनिस जंग ने। एक स्टोरी, दोनों स्टोरीज जो हैं वो गरीब बच्चों के बारे में है। दोज चिल्ड्रन हु आर फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड्स। द फर्स्ट वन इज़ अबाउट रैग पिकर्स फ्रॉम सीमापुरी और द सेकेंड वन इज़ अबाउट बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। विल स्टार्ट विद फर्स्ट स्टोरी। फर्स्ट वी शिल गो थ्रू इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर और समथिंग अबाउट द ऑथर। वी शिल रीड हियर। एनिस जंग, शी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1964 एंड शी वॉज बॉर्न इन राउरकेला विच इज़ इन ओरिसा। अपना बचपन जो है चाइल्डहुड शी स्पेंड देयर एंड एडोलसेंस। एडोलसेंस मीन्स टीनेज, उनकी हैदराबाद में गुजरती है। एंड शी रिसीव्ड एजुकेशन इन हैदराबाद एंड लेटर ऑन शी कम्प्लीट्स हर स्टडीज इन अमेरिका। उनके पेरेंट्स, फादर एंड मदर, बोथ वर राइटर्स एंड शी स्टार्टेड हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। वो कुछ न्यूज़पेपर में कॉलमनिस्ट हैं, एडिटर भी हैं, इंडिया के वेल नोन न्यूज़पेपर्स में लिखती हैं और बाहर भी उनके राइटिंग्स भेजी जाती हैं, लिखती हैं बाहर न्यूज़पेपर्स में भी। बहुत सी बुक्स लिखी हैं उन्होंने। एंड द प्रेजेंट दीज टू स्टोरीज, दे आर फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग एंड स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। इस इन दो स्टोरीज में वो बताती है कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो पॉवर्टी में ग्राइंड हो रहे हैं, पिस रहे हैं गरीबी में, और कुछ ऐसे ट्रेडिशंस जो कि उनकी लाइफ को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करती हैं उस सिस्टम का जो कि बचपन बच्चों का छीन रहा है। तो स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। इट इज़ एंटाइटल्ड एज समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। सो व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहिब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। सो वाई डू यू डू दिस, वो पूछती हैं एक बच्चे से, साहिब नाम है उस बच्चे का, जिसको वो हर दिन मिलती हैं। एनकाउंटर मीन्स टू मीट बाई चांस, मिल जाती हैं। वो बच्चा क्या करता है, वो स्क्राउंज कर रहा है। स्क्राउंज मीन्स इज सर्चिंग फॉर गोल्ड के लिए। हे गोल्ड डजेंट मीन रियल गोल्ड, दैट मीन्स एनीथिंग प्रेशियस, जो उसे मिल जाए कुछ भी, चाहे एक रुपये, चाहे दो रुपया, पाँच रुपये, वट एवर ही गेट्स, दैट इज़ गोल्ड फॉर दैट द पुअर चाइल्ड। तो कचरे में कुछ ना कुछ बीनता रहता है। कचरा कहाँ, नियर नेबरहुड ऑफ द राइटर, राइटर के घर के आसपास जो डम्प्स हैं गार्बेज के, वहाँ पर बच्चा कचरा बीनता है। तो उससे पूछती है एक दिन कि तुम ये क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, काफ़ी सालों पहले साहिब अपना घर छोड़ दिया है उसने। सेड एमिडिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, कौन सा घर, उसका नेटिव विलेज उसने छोड़ दिया, उसकी बात कर रही हैं वो, जो कहाँ था, ढाका में। ढाका कैपिटल सिटी ऑफ बांग्लादेश, यानी कि साहिब एक बांग्लादेशी रिफ्यूजी है जो दिल्ली के स्लम एरिया में रहता है और कचरा बीनने का काम करता है। तो वो अपना घर, उसका जो ढाका के कहीं ग्रीन फील्ड्स में है, उस घर को वो बहुत सालों पहले छोड़ आया है। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, उसकी याद में भी नहीं है वो घर अब। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, हिज मदर टेल्स हिम। ये सब बातें साहिब की माँ उसे बताती हैं कि बहुत से तूफान आते थे जिसके कारण उनके खेत, उनके घर, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एंड वी वेरी वेल नो कि उड़ीसा में हर साल साइक्लोन्स तो आते ही हैं। उड़ीसा, बांग्लादेश, ये सारे जो एरियाज़ हैं ये फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स को फेस करते हैं, इसके कारण वहाँ काफ़ी पॉवर्टी है। उसकी मम्मी उसको बताती हैं कि तूफ़ानों के कारण, इन साइक्लोन्स के कारण, स्टॉर्म्स के कारण उनके खेत, उनके घर बर्बाद हो जाते थे। दैट्स वाई दे लेफ्ट, इसीलिए उन्होंने अपना गाँव, अपने खेत, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, गोल्ड ईयर मीन्स सर्वाइवल, अपनी लाइफ को जीने के लिए, जो कुछ भी मुझे उन्हें मिल जाए सर्वाइव करने के लिए, उसके लिए वो अब इन बड़े शहरों में रह रहे हैं। आई एम नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, मटर्स धीरे से बोलना, विस्परिंग साउंड, धीरे से बोलते हैं कि मैं बस करने के लिए कुछ नहीं है, दैट्स व्हाई डू दिस। लुकिंग अवे, लुकिंग अवे मीन्स इग्नोरिंग दिस क्वेश्चन,
बिकॉज उसको भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती लगती होगी शायद, इसलिए वो उसको फेस नहीं कर पाया राइटर को, और साइड में देखते हुए बोला कि आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, दैट्स व्हाई आई डू दिस, गो टू स्कूल, आई सेल ग्लिबली, ग्लिबली मीन्स क्विकली विदाउट थिंकिंग। तो मैंने उसको बोला कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, बट सून शी रियलाइज्ड हाउ फॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि मैंने उसको ये राय क्यों दी, बिकॉज कोई पूर बच्चा है, हाउ कैन ही मैनेज फॉर स्कूल एंड स्कूल फीस। नाउ व्हाट साहिब सेज, देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कि मैडम मेरे घर के आसपास कोई स्कूल नहीं है, अगर बनेगा तो मैं चला जाऊँगा। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब उसने हंसते हुए उसको मजाक में पूछा कि इफ़ आई ओपन ए स्कूल विल यू कम टू माई स्कूल, येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली बिकॉज नाउ ही वॉज फेमिलियर विद दिस लेडी। सो हंसते हुए मुस्कुराते बोलता कि हाँ बिल्कुल, आई डेफिनेटली आई कम टू योर स्कूल इफ यू स्टार्ट, इफ यू स्टार्ट इट। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद साहिब उसे मिला, दौड़ता दौड़ता इनको देखते हुए आया और बोला कि क्या आपका स्कूल रेडी हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, मेरे को स्कूल बनाने में बहुत टाइम लगता है बच्चे। एम्बैरस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वॉज नॉट मेंट, और मुझे थोड़ी शर्म भी आई कि मैंने इस इनोसेंट बच्चे से कैसे प्रॉमिस की है जो शायद कभी पूरी नहीं होगी। बट प्रॉमिस इज लाइक माइंड अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिस ब्लीक वर्ल्ड, लेकिन इस तरह की प्रॉमिस इस बच्चे की लाइफ में, इस बच्चे की ब्लीक, ब्लीक हेयर मीन्स लोनली, सुनसान सी दुनिया जो इसकी है, इसमें से बहुत सी प्रोमिसेस रहती हैं। यानी कि लोग बहुत प्रोमिसेस करते हैं ऐसे गरीब बच्चों से, अबाउंड मीन्स फ्लरिश। सो आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, अब वो कई बार उसको मिलता रहा, अब उसको एक दिन उसका नाम पूछती कि व्हाट्स योर नेम, ही सेज साहिब आलम, ही अनाउंसेस ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, साहिब आलम का मतलब शायद उस बच्चे को नहीं मालूम। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग, इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इनकी इस दुनिया का मालिक साहिब आलम, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसे विश्वास नहीं होगा कि उसके नाम का मतलब ये है। क्या आयरनी है यहाँ कि नाम उसका साहिब आलम एंड ही इज़ ए रैग पिकर, वो कचरा बिनने वाला बच्चा है। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर एट नून, बहुत से फ्रेंड्स के साथ में घूमता है गलियों में मॉर्निंग बर्ड्स के जैसे, और फिर दोपहर होते होते गायब हो जाता है। इट मीन्स अब नून में वो अपने हार्ट्स में, अपने घरों में चले जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, अब वो कई महीनों से इन बच्चों को देख रही है, इनसे मिलती है, इधर उधर कहीं इनको नजर आ जाते हैं घूमते ही, तो वो सब बच्चों को पहचानने लगी जो कि उस ग्रुप में है। वन डे शी आस्क्स कि वाई aren't यू वेयरिंग चप्पल्स आई आस्क वन, तो ग्रुप के इस बच्चों को ये पूछा उसने कि तुम स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो, चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो व्हाट ही सेज, माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली, तो बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी ऊपर शेल्फ में से उतार के मुझे नहीं देती हैं। अब इन लोगों के लिए स्लीपर्स भी एक कीमती चीज़ है, प्रेशियस चीज़ है। सो इवन इफ शी डिडंट ही विल थ्रो देम ऑफ एज अदर अनदर, अब दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर वो दे भी देंगी ना तो ये फेंक देगा, गुम कर देगा उनको। हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डो नॉट मैच, अब उसने जो जूते पहने हैं दूसरे लड़के ने वो कोई मैच नहीं कर रहे हैं, दोनों ही मिस मैच हैं, शूज़ अलग अलग हैं। मैंने कमेंट ऑन इट, जब मैंने सोचा कि तुम्हारी शूज़ तो अलग अलग हैं दोनों, ही शफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, उसने अपने पाम शफल मीन्स पीछे की तरफ थोड़े से कर लिए, ही मेड सम मूवमेंट्स विद हिज फीट, एम्बैरसिंग फील हुआ उसको। एंड व्हाट ही सेड, I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. अब जो तीसरा बच्चा है वो बोलता है कि मुझे भी शूज़ चाहिए, और शायद लाइफ में कभी उसको शूज़ उसने नहीं पहने थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज ऑन विलेज रोड्स, अब आनंद जंग कहते हैं कि अक्सर मैंने भारत के गाँवों में और शहरों में भी चीज़ देखा है कि बच्चे या लोग गाँवों में या शहरों में सड़कों पर नंगे पांव भी घूमते रहते हैं। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, लोग ऐसा कहते हैं इज़ वन एक्सप्लेनेशन, जब किसी से उसने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बस हमारा ट्रेडिशन है कि हम स्लीपर्स या हम चप्पल या जूते नहीं पहनते हैं। आई वंडर इफ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी,
मुझे हैरानी होती है कहीं कि कहीं एक तरीका तो नहीं है बचने का, परपेचुअल मतलब कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी से आप गरीब हैं और इस चीज़ को आप मानने को तैयार नहीं हैं, कहीं एक बहाना तो नहीं है। आई रिमेंबर ए स्टोरी, ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर वॉज ए प्रीस्ट, कि मुझे एक स्टोरी याद आ रही है यूडीपी की, एक पर्सन ने उसको बताई कि जब वो यंग था वो स्कूल जब जाता था तब एक मंदिर के सामने से गुजरता था, वहाँ मंदिर में उसके फादर प्रीस्ट थे, वो वहाँ मंदिर के सामने रुकता था एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। व्हाट वाज हिज विश, डिज़ायर, उस बच्चे की डिज़ायर ये थी स्कूल जाने से पहले हर दिन कि वॉन्टेड ए पेयर ऑफ शूज़। 30 ईयर्स लेटर आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, 30 साल बाद एनिस जंग उसके सिटी में, उसके टाउन में वो जाती हैं टेम्पल के पास, एंड विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डेजोलेशन। अब वो जो मंदिर था काफ़ी पुराना हो चुका था, डेजोलेशन मतलब मिजरेबल कंडीशन, टूटा फूटा हो चुका था। इन द बैक यार्ड वे लिव द न्यू ब्रिस्ट दे वो रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर, यानी कि कुछ चेंजेस अब यहाँ इन 30 ईयर्स में आ गए थे। अब नया पुजारी जो है उस मंदिर के बैकयार्ड में रहना उसने शुरू कर दिया था, और उसके घर में रेड वाइट प्लास्टिक चेयर्स भी थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, उस नए प्रिस्ट का बच्चा वहाँ आया वेयरिंग सॉक्स एंड शूज़, उसने अब सॉक्स एंड शूज़ पहने हुए थे। इट मीन्स टाइम हैज़ चेंज्ड इवन इन विलेजेस एंड टाउन्स नाउ। अराइव्ड पांटिंग ही वॉज ब्रीदिंग हार्ड, स्कूल से दौड़ के आया होगा, एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, उसने अपना बैग गिरा दिया था बेड पे। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, अब उसको याद आता है उस पुराने बच्चे की स्टोरी, ओडीपी वाले उस पर्सन की स्टोरी, इसने कई बताई थी उसको ये कि जब वो छोटा था और मंदिर के पास से गुजरता था तो मंदिर के सामने बैठ के विश करता था कि उसको पेयर ऑफ शूज़ मिले। तो वो चीज़ कंपेयर करिए अभी 30 ईयर्स के बाद कि हाँ वो ठीक है, मंदिर आज भी वही है और जो प्रिस्ट नया को रहने आया है उसके बच्चे के पास आज पहनने के लिए शूज़ हैं। इट मीन्स टाइम इज चेंज्ड, लेट मी नेवर लूज देम, द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट नाउ वोर शूज़, बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, तो शायद ईश्वर ने उसकी ये प्रार्थना सुन ली और अब मंदिर के पुजारियों के बच्चे भी जूते पहनते हैं। लेकिन मेरे पड़ोस में रहने वाले, मेरे पड़ोस में जो रैक पिकर्स जो बच्चे आते हैं दे आर स्टिल शूलेस, उनके पास आज भी पहनने के लिए शूज़ नहीं। इट मीन्स उनकी हालत में, उनकी कंडीशन में कोई सुधार नहीं हुआ है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, एक्वेंटेंस मीन्स फेमिलैरिटी, जो रोज़ उन बच्चों से मिलती थी, क्योंकि अक्सर उन बच्चों से मिलती थी तो काफ़ी फेमिलियर हो गई थी उनके साथ। तो एक दिन ये क्या हुआ, उन्हीं के साथ उनके घर की तरफ चल दी। ए प्लेस ऑन द पैरिफेरी ऑफ दिल्ली, पैरिफेरी मीन्स बाउंड्री आउटसाइड ऑफ द दिल्ली, दिल्ली के बाहर की तरफ का इलाका है ये, इट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली, मेटाफोरिकली मीन्स सिम्बॉलिकली, हालांकि दिल्ली के पास का या दिल्ली के थोड़ा सा दूर का इलाका है, लेकिन यूँ बात की जाए तो दिल्ली से कई मीलों दूर है। इट मीन्स जो डेवलपमेंट दिल्ली में नज़र आ रहा है वो इस एरिया में कहीं नहीं है, कोसों दूर है दिल्ली के डेवलपमेंट से आज भी ये एरिया सीमापुरी। दोज हू लिव हियर आर स्क्वेटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, अधिकतर लोग जो यहाँ सीमापुरी में रह रहे हैं, इस इलाके में जो रह रहे हैं वो स्क्वेटर्स हैं, स्क्वेटर्स होते हैं, यहाँ पर यूँ कह सकते हो दे आर रेफ्यूजीज माइग्रेंट्स जो बांग्लादेश से 1971 में आकर दिल्ली में और इसके आसपास के एरियाज़ में सेटल हो गए थे। ये अनलॉफुल लोग हैं जिन्होंने कि आगे ज़मीन पर कब्जा करके अपने झोंपड़े मकान वगैरह बना लिए हैं। सो साहिब्स फैमिलीज अमंग देम, तो उन स्क्वेटर्स की, उन माइग्रेंट्स, उन रेफ्यूजीज की फैमिलीज में से ही एक फैमिली साहिब की फैमिली भी है। सीमापुरी वॉज देन ए विल्डरनेस, उन दिनों में आज से कई साल पहले 1971 के आसपास सीमापुरी एकदम विल्डरनेस ऐसे रिलेटेड, विल्डरनेस ईयर मीन्स एकदम जहाँ लोग नहीं रहते हैं, अनहैबिटेड लेस डेवलप्ड एरिया था। तो ये लोग आकर यहाँ बस गए थे
इट स्टिल इज़, आज भी ये अनडेवलप्ड ही है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये सुनसान या खाली इलाका नहीं है, ये मकान है, लेकिन किस तरह के, इंस्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के झोंपड़े जैसे मकान हैं, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टरपोलिन, छतें जो हैं टिन की हैं या टरपोलिन की, टरपोलिन वाटर प्रूफ क्लोथ होता है। सो आज यहाँ पर कच्चे झोंपड़े जैसे मकान हैं जो इन रेफ्यूजीज़ के हैं, डिवाइड ऑफ सीवेज, कोई पानी की कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, यहाँ कोई पीने का पानी रनिंग वाटर नहीं है। यहाँ लगभग 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं, इस सीमापुरी के इलाके में 10,000 से ज़्यादा कचरा बिनने वाले लोग हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, तो 30 साल से भी ज़्यादा लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, कोई परमिशन उन्हें गवर्नमेंट से नहीं मिली है, कोई उनकी पहचान नहीं, बट विद रेशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, लेकिन पॉलिटिशियंस ने कहीं ना कहीं उनकी एंट्री वोटर्स लिस्ट में करवा दी है, इसके चलते उनके पास रेशन कार्ड ज़रूर अवेलेबल हो गए हैं, जिसके कारण वो लोग दे आर एबल टू बाय फूड ग्रेन, अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, उनके लिए पहचान मायने नहीं रखती है, उनके लिए फूड मायने रखता है, किसी तरह से दे जस्ट ट्राई टू मैनेज फॉर द फूड टू टाइम्स मील। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टमक, वी वुड रैदर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, से ए ग्रुप ऑफ वुमेन इन टैटर्ड सारीज, व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट द ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। अब वहाँ इलाके में पहुंची सीमापुरी में, वहाँ के लोगों से मिली, तो एक वुमेन से जो कि टैटर्ड मीन्स वॉर्न फटी सी साड़ी में थी, उससे इन्होंने क्वेश्चन पूछा एनिस जंग ने, कि तुम अपने सुंदर खेतों को, अपने ग्रीन फील्ड्स को, अपने रिवर्स को, ब्यूटीफुल लैंड को छोड़कर यहाँ तुम क्यों आ गए हो इधर? तो उसका क्या जवाब देती है वो वुमेन, कि इफ एट द एंड ऑफ द डे, शाम होते होते अगर मैं अपनी फैमिलीज को खाना खिला पाए और विदाउट एन एकिंग स्टमक, एकिंग स्टमक मीन्स एम्प्टी स्टमक, एकिंग मीन्स पेन होता है, लेकिन यहाँ मतलब उससे है कि भूख के मारे पेट में जो दर्द होता है, अगर मेरी फैमिली की वो ना हो, दैट मीन्स कि अगर हमें पेट भर खाना मिले तो हम उन फील्ड्स में कभी नहीं जाना चाहेंगे जिन्होंने हमें कोई अनाज नहीं दिया। व्हाट शी वांट्स टू से कि हमें उन फील्ड्स ने कभी कुछ नहीं दिया, हमें उन्होंने पेट भर खाना नहीं दिया, हम हमेशा वहाँ परेशान होते रहे, उससे बेटर तो इन स्लम्स में रहना है कि कम से कम 2 टाइम्स मील तो हम अपने बच्चों को यहाँ कचरा बिन कर इकट्ठा करके जो कुछ मिलता है उसको बेच कर वो अपने बच्चों का पेट भर पा रहे हैं। सो वेन एवर दे फाइंड फूड दे पिच दे टेंट्स एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, कि जहाँ पर भी खाना मिलता है उनको वो वहाँ अपने टेंट्स लगा लेते हैं और ट्रांजिट होम्स, टेम्प्रेरी होम्स बना लेते हैं। फूड उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, और बच्चे भी हमारे इन्हीं टेंट्स में बड़े होते हैं, बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और वो भी हमारी तरह ही सर्वाइव करते रहते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, यहाँ सर्वाइवल का मतलब किससे था कि रैग पिकिंग से, यानी कि उनका मेन प्रोफेशन क्या है यहाँ के लोगों का, रैग पिकिंग ही, कचरा बिनते हैं लोग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, पिछले कुछ सालों में कहीं ना कहीं इस रैग पिकिंग ने फाइन आर्ट्स मीन्स ड्राॅइंग्स वगैरह, पेंटिंग्स वगैरह है, उसके डायमेंशंस को भी कवर किया है, कि आर्टिस्ट ने काफ़ी कुछ इन चीज़ों के बारे में बताया है, लिखा है, पेंट किया है, ड्रॉ किया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए गार्बेज कैसा है, गोल्ड जैसा है। व्हाट इज़ गोल्ड टू देम, बिकॉज दैट इज़ मीन ऑफ सर्वाइवल फॉर देम, उनके कमाई का साधन है, उनके खाने का साधन है, 2 स्क्वायर मील का साधन है ये गार्बेज। इट इज़ द डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, इवन इफ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर। घर जैसा भी है, भले छतें जो है उनकी लीक कर रही है, बट एटलीस्ट समथिंग दे हैव ऑन देयर हेड, ये कोई जगह तो है जहाँ पर वो अपनी रात गुजार सकते हैं। सो आई समटाइम्स फाइन ए रुपी इवन ए 10 रुपी नोट, साहिब से, साहिब इसको बताता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपये मिल जाता है, कभी कभी इवन 10 रुपी नोट भी मुझे इस कचरे में मिल जाता है। हिज आईज लाइटिंग अप विद एक्साइटमेंट, खुशी के मारे वो बताता है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग
फादर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर ह्यूमन नेचर है कि अगर बाई चांस आपको किसी कच्चे के ढेर में एक सिल्वर कॉइन कहीं मिल गया तो यू वॉन्ट स्टॉप स्क्राउचिंग, आप इसको ढूंढने में खंगालने में पीछे नहीं हटेंगे, आप यू डो जस्ट गो ऑन डूइंग दिस, किस इच्छा से, किस होप से, डिज़ायर से कि शायद और भी मिल जाए। तो कभी कभी जब उसको एक रुपये या दो रुपये पाँच रुपये से कुछ मिल जाते हैं तो उसी लालच में वो हर समय हर दिन क्या करता है, इस कचरा बीनता है, उसको स्क्राउच करता है, टटोलता रहता है। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स एंड बट ऑब्वियस है कि बच्चों के लिए रैग पिकिंग एक अलग चीज़ है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, उनके लिए हर कचरे का, हर पॉलीथीन का जो बैग है वो एक वंडर है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ नया या कुछ डिफरेंट दे कैन फाइंड इन दैट गार्बेज उन्हें मिल सकता है। लेकिन फॉर एल्डर्स इट्स मीन ऑफ सर्वाइवल, लेकिन बड़ों के लिए एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है कि उस गार्बेज में से, उस रैग में से जो कुछ भी दे फाइंड कि वैल्यूएबल है उसको बेच कर वो अपनी फैमिली के लिए फूड जो है वो प्रोवाइड कर पाते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक दिन आनिस जंग उसको, बच्चे को, साहिब को देखती हैं कि वो एक उसके पास में जो क्लब है, घर के पास में जो क्लब था वह खड़ा था बाहर, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वो क्लब में झांक रहा था जहाँ दो लोग टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम ही हम्स, वो धीरे से बोलते कि मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो हैप्पी था, ही वाज सेटिस्फाइड कि वो बाहर से देख रहा है, उसी से वो बहुत खुश था। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, कहते कि मैं अंदर जाता हूँ, इस क्लब में मैं चला जाता हूँ जब कोई नहीं होता। तो द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, जो गेट कीपर है क्लब का मुझे झूले, स्विंग मीन्स झूले लेने देता है, मना नहीं करता है। साहब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स, आज साहिब ने जूते पहने हैं जो कोई मैच नहीं हो रहे उसके फेडेड शर्ट्स एंड ड्रेस से, निकर से, शॉर्ट्स से। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। जब एनएस जंग की नज़र उसके जूतों में पड़ती है तो वो उनको एक्सप्लेन करते बोलते हैं कि मुझे किसी ने दिए हैं ये शूज़, एंड द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, उसे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो जूते किसी रिच बच्चे ने डिस्कार्ड, डिस्कार्ड मीन्स नॉट इन यूज़, जो यूज़ नहीं करता है उसने उसको दे दिए। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उन शूज़ में छेद थे, उनमें से एक में छेद था, तो शायद रिच फैमिली का बच्चा ऐसे शूज़ नहीं पहनेगा, लेकिन साहिब के लिए तो बहुत बड़ी बात थी ये। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयरफुट, वो बच्चा जो आज से नंगे पाँव में घूमा था, इवन शूज विद ए होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए तो ऐसे जूते मिलना जैसे किसी सपने का पूरा होने जैसा है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ रीच, इट इज़ बट ऑब्वियस कि जो गेम, जो टेनिस से देख रहा है वो इसकी पहुँच में कभी नहीं हो सकता। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, आज साहिब कहाँ जा रहा है, मिल्क बूथ की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का एक कैनिस्टर, एक बॉक्स, डब्बा, सिलेंड्रिकल स्टील का डब्बा है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, ही सेज कि अब मैंने काम करना शुरू कर दिया एक टी स्टॉल मेन पॉइंटेड इन द डिस्टेंस, जो उसने इशारा करके बताया कि देर आई वर्क, काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ इन ऑल माई मील्स, तो मुझे 800 रुपीज़ पर मंथ दिए जाते हैं, एंड ऑन दैट आई एम प्रोवाइडेड विद फूड, खाना भी दिया जाता है। डज यू लाइक द जॉब, आई आस्क, अब राइटर ने पूछा कि क्या तुम्हें ये काम पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब उसके चेहरे पर वो एक केयर फ्री लुक जो पहले हुआ करती थी व्हेन ही यूज्ड टू पिक रैग, जब वो कचरा बिनता था कितना खुश रहता था, दैट लुक वॉज नॉट ऑन हिज फेस टुडे, आज वो खुशी उसके चेहरे पर नहीं थी। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, आज जो स्टील कैनिस्टर वो लेकर जा रहा है वो उसे काफ़ी हैवी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग के कंपैरिजन में, जो कि बहुत खुशी से वो अपने शोल्डर्स पे उठाकर घूमता था, क्योंकि वो काम फ्रीली कर लेता था बिना किसी प्रेशर के या दबाव के। ही वॉज हिज ओन मास्टर, द बैग वॉज हिज, दैट मीन्स यर सेम कि वो अपना उस समय मालिक खुद था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन आज ये कैनिस्टर उस पर्सन का है जिसके अंदर वो काम कर रहा है। सो साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अब अपना मास्टर खुद नहीं है,
अब अपनी इच्छा से कोई काम नहीं कर सकता है, उसे वही करना पड़ेगा जो कि उसको उसका मास्टर ऑर्डर देगा। सो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इट मीन्स साहिब हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड प्लेजर्स। साहिब के बचपन की खुशियाँ, उसकी केयर फ्री लुक्स, उसकी टेंशन फ्री लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। ही हैज़ लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ मटेरियलिज्म। वो भी कहीं दुनियादारी का हिस्सा बन गया है।